हमें बड़ा मोहतात रहना है कि हम जो भी नाम रखे बच्चे का या बच्ची का वो इस्लामी नाम हो। इंशाल्लाह आगे तफसीलात आएंगी, लेकिन इशारा यहाँ कि इस्लामी नाम हो। हम दूसरों से तशब्बुह ना इख्तियार करें, दूसरों के तहजीब के पीछे ना भागें। हम बहुत मशहूर हदीस है सुनन नबी दाऊद की कि नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है, उन जैसा बनने की कोशिश करता है, फहुवा मिनहुम, तो वो उन्हीं में से है। हो सकता है कि दुनिया में और आखिरत में उसका अंजाम उन्हीं लोगों के साथ हो, और आप जानते हैं कि गैरों का अंजाम आखिरत में क्या होने वाला है। तो हमें जो है नाम रखने में एक जो ख़ास एहतियात करनी है, तशब्बुह की क्या सूरतें इंशाल्लाह आगे आएंगी कि कैसा नाम नहीं रखना है, लेकिन एक आम कायदा कि हमें दूसरों के अतबार से नाम नहीं रखना है, बल्कि हमें इस्लामी नाम रखना है, मुसलमानों का नाम रखना है जो किताब व सुन्नत में वारिद है, या कम से कम जो नाम किताब व सुन्नत के एतबार से जायज़ है, मुबाह है।